हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोघा और द एजुकेशनल अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज जो इस वीडियो का लेक्चर का टॉपिक है वो है हेडर एंड फुटर ग्रुप इन विनवर्ड, जो कि हमें इंसर्ट टैब में दिया जाता है। तो उसमें हम हेडर पे किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है, फुटर और पेज नंबर उसमें टूल होती है, तो उन सभी टूल्स के बारे में इस लेक्चर में हम सीखेंगे, अच्छी तरीके से सीखेंगे। अगर फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स अगर इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाए। तो चलते हैं विनवर्ड में, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बेसिकली फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमें इंसर्ट जो हमारा यहाँ पे टैब है उसमें हमें हेडर और फुटर नाम के यहाँ पे ग्रुप मिलता है, जिसमें तीन टूल होती है, हेडर, फुटर और पेज नंबर। अगर फ्रेंड्स आपको हेडर अटैच करना है, हेडर आपको अपने पेज में अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना है, तो आप जाएंगे हेडर टूल पर। आपको यहाँ पर हेडर अलग अलग तरीके से दिखाएगा कि आपको ब्लैंक चाहिए या ब्लैंक थ्री कॉलम में चाहिए या बैंडेड स्टाइल में चाहिए। यहाँ पर मल्टीपल स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे देखने को, तो आप जैसा भी हेडर यहाँ से लेना चाहिए वैसा आप ले सकते हैं कि मुझे हेडर में ये वाला पसंद है, तो मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मेरा हेडर आ चुका है। इसमें आप पेज नंबर डाल, पेज के बारे में डॉक्यूमेंट टाइटल डाल सकते हैं। टाइटल है द टाइगर, TIGER द टाइगर, यहाँ से आप क्लोज कर देंगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पर हेडर आ चुका है। अगर आप नया पेज लेते हैं, अगर मैं ब्लैंक पेज नया लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर 2 आ चुका है और द टाइगर मेरा हेडर हर एक पेज पे ये शो होगा। अगर आप चाहते हैं हेडर को हटाना या उसमें चेंज करना, तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप जाएंगे वापस से इंसर्ट पे, वापस से जाएंगे हेडर पे, वापस से जाएंगे आप एडिट हेडर पर, तो कंट्रोल आपका यहाँ पर आ गया। तो आप या तो इतना लंबा घूम के चले जाइए या आप सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करिए, आप डायरेक्ट यहाँ पर आपका कंट्रोल आ सकता है। माफी चाहता हूँ, आप इसमें स्टाइल भी कर सकते हैं। जैसे मैं द टाइगर को सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैं कुछ स्टाइल देना चाहता हूँ, उसको बोल्ड करना चाहता हूँ, इटैलिक करना चाहता हूँ, मैं इसका फॉन्ट कलर देना चाहता हूँ अच्छे से, इस तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ। या इसमें भी चाहूँ तो इसमें कर सकता हूँ मैं कलर, जैसे फोरन पे जाके मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ ये वाला, इस तरीके से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। और आप इन चेंज करके इनको सेव भी करके रख सकते हैं। कंट्रोल आप ए करेंगे, मैं बाहर क्लिक करके अगर मैं कंट्रोल ए करूँ, इस तरीके से पूरा डेटा मेरा सेलेक्ट हो चुका है। आप जाएंगे वापस इंसर्ट में, वापस जाएंगे हेडर में और यहाँ पे देख सकते हैं सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका हेडर, जैसे कि माई हेडर 1GDR हेडर 1, इस तरीके से आप इसका नाम देके इस हेडर को आप सेव करके रख सकते हो। तो बेसिकली अभी हमने क्या सीखा कि आप हेडर इंसर्ट कर सकते हो, उसमें आप चेंज भी कर सकते हो और चेंज करके आप उसे सेव भी कर सकते हो। इन फ्यूचर में दोबारा इसी तरीके का स्टाइल आपको चाहिए तो आप सेव करके उसको रीयूज कर सकते हो, ठीक है। अब रीयूज करेंगे कहाँ से, रीयूज करने के लिए आप जाएंगे क्विक पार्ट्स में। क्विक पार्ट्स में जाने के बाद आप जाएंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर में, यहाँ पर आप नाम टाइप करेंगे। मेरा जो हेडर का नाम था वो था माई हेडर, तो आप M प्रेस कीजिए, M प्रेस कीजिए, M देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, माई हेडर ही देखिए, माई हेडर यहाँ पर आएगा और यहाँ से आप उसको इंसर्ट करेंगे, आपका हेडर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मुझे हेडर को रिमूव करना है तो मैं सिंपल क्लिक करूंगा रिमूव हेडर पे, इस तरीके से, तो हर एक पेज में सब मेरा हेडर वहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आती है हेडर में, यहाँ पर होता है मोर हेडर्स फ्रॉम office.com। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपको यहाँ पर हेडर है वो आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप चाहते हैं कि office.com से मैं नए हेडर से अलग तरीके के हेडर लेना चाहता हूँ, तो आपको office.com मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक अकाउंट बनाना पड़ता है, उसको आप लॉग इन करेंगे, उसके बाद ही सर्विस को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 हेडर यहाँ पे ले रखे हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बात ये आती है कि आपको यहाँ पे जो हेडर दिए गए हैं ये बहुत सारे होते हैं, इनफ होते हैं, और इसको कि हमारे पास ऐसा फीचर भी है क्योंकि हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करके सेव भी कर सकते हैं। अगर हम चेंज करके सेव नहीं कर पाते तो हम office.com पर जा सकते थे, लेकिन जब हम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, तो मेरे हिसाब से तो office.com का सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पर जाया जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है फुटर। देखिए हेडर और फुटर दोनों सेम है, बस अंतर ये हेडर आपके पेज के टॉप पे आता है, फुटर आपके पेज के बॉटम पे आता है। आप क्लिक करेंगे फुटर पे और देन आप
अलग तरह का यहाँ पे स्टाइल है, किस तरीके का आपको चाहिए, कि मुझे चाहिए सपोज मुझे ये वाला हेडर चाहिए या ये वाला ले सकते हैं। क्लिक करेंगे, ये देखिए पेज के नीचे आ चुका है। यहाँ पे बता रहा है कि पेज वन पे हो और कितने पेज है, दो पेज है इस डॉक्यूमेंट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेजेस पर कि दो पेज है और पहले पर है, तो इस तरीके से आपको शो करेगा। सेम इस पर भी आप सिलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया या कोई कलर चेंज कर दिया, या आप इसमें एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं तो आप इस इंसर्ट में जाकर यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने, और इस तरीके से आप वहाँ पर कुछ भी नाम ले सकते हैं, जैसे कि माई डेटा, इस तरीके से माई डेटा, इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा हेडर फुटर में आ चुका है, फुटर एरिया में, और हर एक पेज पे ये रिपीट होता रहेगा इस तरीके से। तो आप अपने मन मुताबिक इसमें हेडर फुटर में प्रॉपर चेंज कर सकते हैं, और चेंज करके अगर मैं कंट्रोल नहीं करूँगा तो आप उनको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं इंसर्ट में, वापस चलते हैं फुटर में। तो यहाँ पर वही सेम ऑप्शन है आपका, रिमूव फुटर, एडिट फुटर कर क्लिक करोगे कंट्रोल आपका यहाँ पर आ जाएगा, या तो आप इतना लंबा घूम के जाइए या आप अपने फुटर एरिया में यहाँ पे डबल क्लिक कर दिए, इस तरीके से हटा देते हैं इसको। इंसर्ट पे जाते हैं, देन जाते हैं फुटर पे, देन जाते हैं रिमूव फुटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा तीसरा टूल आता है वो होता है पेज नंबर की। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर ऐड करना तो आप कर सकते हो। पेज नंबर अलग अलग स्टाइल्स के हैं कि आपको टॉप पर सेंटर में चाहिए, बॉटम में, लेफ्ट में, या आपको पेज के बॉटम में, लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में या राइट में चाहिए, या आपको जो हमारे मार्जिन एरिया है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का मार्जिन एरिया, इसमें आपको पेज नंबर चाहिए, या आपका जहाँ पर कर्सर है वहीं पर आपको पेज नंबर चाहिए, तो आप इस तरीके से पेज नंबर का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर पर। आप देख सकते हैं टॉप पर पेज नंबर चाहिए तो कहाँ पर, राइट में, बॉटम में, सेंटर में, अलग अलग तरीके के स्टाइल के यहाँ पर आपको पेज नंबर शो हो जाएंगे। जैसा भी चाहिए क्लिक करेंगे वहाँ पे ऐड हो गया, और बेसिकली आपका पेज नंबर वो कहाँ पे ऐड रहा है, आपका फुटर हेडर एरिया में, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, रिमूव पेज नंबर। अगर मुझे ऐसे ही पेज के बॉटम में चाहिए तो जैसा भी मैं क्लिक करूँगा पेज के बॉटम, मतलब ये फुटर एरिया में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। वापस चलते हैं इंसर्ट में, वापस पेज नंबर पे इसको करते हैं रिमूव। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मार्जिन का एरिया है उसमें पेज नंबर चाहिए मुझे, तो मार्जिन एरिया में कहाँ पर, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, कहाँ पर चाहिए, मुझे चाहिए लेफ्ट में चाहिए, तो इस तरीके से यहाँ पर लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मार्जिन एरिया में आ चुका है। तो आप जहाँ भी चाहें, जितना भी आपका टॉप पर, बॉटम पर, लेफ्ट राइट मार्जिन होता है वहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। वापिस आते हैं पेज नंबर पे, वापिस कर देते हैं इसको रिमूव। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है करंट पोजीशन, कि जहाँ पर मेरा कर्सर है वहीं पर पेज नंबर चाहिए, कैसा चाहिए मुझे, ऐसा चाहिए। ये देखिए जहाँ पर मेरा कर्सर रहेगा वहीं पर मेरा पेज नंबर ऐड हो जाएगा। या मैं आपको इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ रैंड फॉर्मूले के हेल्प से, एक पैराग्राफ चाहिए इस तरीके से। अब मैंने कर्सर वीडियो और यू के मिड में रखा, यहाँ पर मुझे पेज नंबर चाहिए, तो आप जाओगे पेज नंबर पे, करंट पोजीशन, ये वाला पेज नंबर दे दो। ये देखिए यहाँ पर वन ऐड हो चुका है, तो जहाँ पर आपका कर्सर रहेगा वहीं पर ही आपका पेज नंबर ऐड कर देगा। वापस आते हैं रिमूव पेज नंबर। अब आपको ये बात नोटिस करने की है कि जो आपका कर्सर जहाँ पर होता है वहाँ पे अगर वो डेटा के बीच में है तो वो आपका रिमूव नहीं होगा, वो आपको मैनुअली रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, और सेम नेक्स्ट वाला भी आपको खुद ही रिमूव करना पड़ेगा, ये रिमूव नहीं होता है। करंट पोजीशन का जो आपका पेज नंबर आएगा उसमें आपको खुद ही रिमूव करना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि यहाँ से मैं रिमूव पेज नंबर कर दूँगा तो अपने आप रिमूव हो जाएगा, यहाँ से रिमूव को नहीं होता है। सबसे अब नेक्स्ट हमारे पास टूल आता है फॉर्मेट पेज नंबर, कि मुझे पेज नंबर फॉर्मेट करना है, कि मुझे नंबर का फॉर्मेट चाहिए उर्दू में चाहिए या हाइफन 1-2 में चाहिए, हिंदी में, ABCD, तो जैसे तरीके का मैं चाहते हैं यहाँ से ले सकता हूँ। और मैं अगर चाहता हूँ कंटिन्यूस फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस पेज नंबर पे, इस डॉक्यूमेंट में मुझे पेज नंबर चाहिए वो 10 से चाहिए, क्योंकि मैं अलग अलग फाइल या मेरा एक अलग एम्प्लॉय है वो अलग से 1 से लेकर 9 तक पेज क्रिएट कर रहा है, मैं 10 से आगे करूँगा, तो यहाँ पर आप स्टार्ट एट पर क्लिक करके आप पेज नंबर स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट एट 10 किया और अब यहाँ पर मैं पेज नंबर लेता हूँ, टॉप पर लेता हूँ इस तरीके से, ये देखिए पेज नंबर 10 यहाँ पे स्टार्टिंग आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो फ्रेंड इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इस पेज नंबर टूल का और इसकी हेल्प से। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ आपको, अगर मैं न्यू पेज यहाँ पर एंटर करता हूँ इंसर्ट में, यहाँ पे ब्लैंक पेज, तो देखिए पेज नंबर 11 आ गया। तो
तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी और हेडर एंड फुटर जो ग्रुप है ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हम टूल का हम यूज़ करते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को और भाई के चैनल को अपने चैनल को अपने यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।